तो ये हाफ डन होने के बाद भैया ने इसमें वापस सारे डाल दिए हैं 5 मिनट के बाद। तो 5 मिनट के बाद आपने सारे से डालना है। अब भैया एक मुट्ठी इसमें हो गया नमक, अब क्या डालेंगे भाई? अब डालेंगे पानी। और कितनी देर के लिए छोड़ना है इसको? अब इसी में रहेंगे ना ये? हाँ। तो ये है भाई फाइनल आइटम बल्ले, और उसके ऊपर ऐसे दही जाएगी, और ये है इनका दही बल्ला। तो यहाँ पे भैया दही बल्ले बना रहे हैं, और ये मूंग की दाल है भैया, ये मूंग की दाल है, कितने किलो होगी? तो 1 किलो मूंग की दाल लिए, यहाँ पे दही बल्ले बन रहे हैं, और मूंग की दाल को आपको आधे एक घंटा भिगाना है, फिर इसको इस तरीके का पीसना है, ज़्यादा पानी ना डालिएगा। और भैया ने इसमें डाला है 2 चम्मच जीरा, और इसको फेंटना है। कब तक फेंटना भैया, कितनी देर तक? मतलब फिर भी जैसे आपने तो थोड़ा फेंट लिया था, हमें कितनी देर तक फेंटना है? 15 मिनट तक। 15 मिनट तक इसको ऐसे फेंटना है आपने अच्छे तरीके से हाथ से। और भैया घर पे जो विस्कर होता है उससे भी कर सकते हैं कि हाथ से करना है? हाथ से करना है, आप हाथ से करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो मूंग की दाल थी, आधे से एक घंटा से भिगा के रखा था, मिक्सी में पीसा, और फिर फेंटना है जीरा डाल के। बस इसमें कुछ नमक वमक अभी कुछ डाला भैया? डाला आपने? अभी कुछ नहीं डाला है, जब डालेंगे तो आपको बताएंगे। तो देख लो भाई इस तरीके का आपने इसे रखना है, एक बार फिर से गिराना भैया, ये देखिए। ठीक है, तो भाई दही बल्ले के लिए आपको जो ये आपका बैटर है उसको लूज ही रखना है, टाइट नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा टाइट है तो आप पानी डाल देना। तो इसमें थोड़ा सा भैया ने पानी डाला था। भैया एक बार ऐसे उठा के दिखाओगे, ऐसे गिराते हुए दिखाओगे इसको? ये देखिए, ठीक है, इस तरीके का आपने इसे रखना है। तो अब यहाँ पे इसे तलने जा रहे भैया। तेल बताओगे तेज रखना है या कम रखना है? नॉर्मल रखना है आपने, मीडियम आँच पर इसे बनाना है। अब देखते हैं भैया किस तरीके से इसे बना रहे हैं। तो बस इस तरीके से आपने इसे रखना है, जैसे राम लड्डू के लिए छोड़ते हैं वैसे ही बस इसको बनाना है, और मीडियम आंच में इसको पकाना है। और ये कितनी देर में बन जाएगा भैया? 15 से 20 मिनट तक इसको आपने धीमी आंच में पकाना है, मीडियम आंच पे। तो आपकी कढ़ाई के हिसाब से इसमें भल्ले डालना है, और जैसे 3 से 4 मिनट हो जाए इसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐसे छींटा मारना है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, उससे होता क्या है कि जैसे भल्ला होता है वो, जैसे देखिए भैया पानी मार रहे हैं हल्का हल्का हर तरफ, उससे होगा क्या, भल्ले तेल नहीं पकड़ेंगे, जैसे तेल पकड़ लेता ना भल्ला, वो नहीं होगा, और सारे भल्ले एक जैसे बनेंगे। तो ये भैया इसमें पानी डाल रहे हैं देखिए, और ऐसे हलवाई स्टाइल आपको कोई नहीं बताएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो ऐसे करना है, और इसको फिर बाहर निकाल देना है ऐसे। ये हो गया आपका हाफ डन, 5 मिनट में ये हाफ डन होगा, उसके बाद सबको दोबारा तलेंगे, तो टोटल टाइम होगा इसका 20 मिनट। 5 मिनट ऐसे हो गया, 15 मिनट आपको इसे दोबारा पकाना है। तो इसको भैया अभी निकाल देंगे। तो ये हाफ डन होने के बाद भैया ने इसमें वापस सारे डाल दिए हैं 5 मिनट के बाद। तो 5 मिनट के बाद आपने सारे से डालना है। अब भैया 15 मिनट लेगा ये? और अब आँच तेज करनी है, हैं? हाँ, 5 मिनट के बाद आपने आँच करनी है तेज, पहले से मीडियम आँच में 5 मिनट तक पकाया था, हाफ डन करके निकाल दिया था 5 मिनट के बाद, बीच में पानी भी डाला था। अब इन सबको एक साथ पकाना है 15 मिनट तक तेज आँच में, और बीच बीच में कड़छी हिलाते रहिएगा ताकि वो एक जैसा सारा सब एक जैसा पके। अब आँच को देखते रहिएगा, बीच में भैया कभी तेज कर रहे हैं कभी मीडियम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अभी आपको पकाना है, जब आपको लगे गैस ज़्यादा तेज़ हो गई है तो मीडियम कर देना, और यहाँ की गैस थोड़ी तेज़ ही रहती है तो घर की, तो आप मीडियम में ही पकाना। तो ये 15 से 20 मिनट में आपका पूरा डन हो जाएगा भल्ला, दही भल्ला। और ये हमारे राम कुमार आगरा वाले भैया, इन्हीं के ये सब कारीगर हैं। तो काफ़ी सारे आइटम आने वाले हैं वहाँ पर, देखिए युवराज भी शूट कर रहा है मूँग की दाल के हलवा। तो ये है आपका फाइनल आइटम दही भल्ला। तो भल्ले ये रेडी हो चुके हैं, तो इसके बाद भैया इसे पानी में नहीं डालेंगे? अच्छा, 5 मिनट बाद, जब आपके पक्के रेडी हो जाएंगे तो इसे 5 मिनट बाद आपने पानी में डालना, वो अभी आगे आपको बताऊंगा। तो अभी आप शक्ल देख लो, हो सकता है वीडियो में सही से दिखे ना, पर ये पीले से हो रखे हैं, सही हो रखे हैं। तो यहाँ पे भल्ले पे अब डाल रहे हैं नमक, डालिए भैया एक मुट्ठी इसमें हो गया नमक, अब क्या डालेंगे भाई? अब डालेंगे पानी। और कितनी देर के लिए छोड़ना है इसको? अब इसी में रहेंगे ना ये? हाँ। तो ये डाला इसमें, सादा पानी डालना है और इसमें डाल के छोड़ देना, बस ये आपके रेडी है ना बनके। बस जब आपको सर्व करना होगा तो वही जैसे निचोड़ के दही के साथ, या दही में से डुबाएंगे? हाँ, जब चालू होगा तब दही में से डुबा देना। तो अगर आपको पूरा दही भल्ला ही बनाना है
तो ये है दही, और दही में क्या क्या डाला अभी आपने? नमक और जीरा, धनिया, जीरा भुना हुआ ना, बुरा भुना हुआ जीरा और धनिया, बस यही होता है। और इसमें बल्ले अभी डुबा देंगे भैया? नहीं, वो अलग ऊपर से जाएगा। अच्छा, ऊपर से जाएगा अलग से? भल्ले जाएंगे। अच्छा, पहले भल्ले जाएंगे फिर उसके ऊपर से दही डाली जाएगी। तो ये है भाई फाइनल आइटम, भल्ले, और उसके ऊपर ऐसे दही जाएगी। और ये है इनका दही भल्ला।